उत्तर प्रदेश के बांदा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पति ने पत्नी की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दरअसल ये पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के खुटला कलवनगंज मोहल्ले का है, जहां शराबी पति अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसके पति ने रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जैसे ही महिला के शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपर एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की जांच की जा रही है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के पिता की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस बात पर मौके पर पुलिस पहुंची है तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पति द्वारा पैसा मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा नाड़े से उसकी गले को कस करके हत्या कर दी गई है। इसमें फील्ड यूनिट की टीम है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारी मौके पर हैं। जो भी साक्ष्य संकलन होगा तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। सर लगभग कितने समय की घटना है ये? लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है।